नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अरबी की बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी। ये रेसिपी अलग है और नई है। चटपटी अरबी का स्वाद सभी को बहुत ही पसंद आएगा। ये खास तरीके की अरबी की रेसिपी जब आप किसी त्योहार पर या खास मौकों पर बनाएंगे तो आपकी हर कोई तारीफ करे बिना नहीं रह पाएगा। आप इसे चपाती, परांठे, नान, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने अरबी ले ली है। ये जो हमने अरबी ली है ना, ये ग्राम के हिसाब से तो ये 750 ग्राम है। आप देख पा रहे होंगे मैंने गोल वाली अरबी ली है। आप इस चीज का ध्यान रखें, अरबी लेते समय गोल वाली अरबी लेंगे ना इस ढंग की, तो ये खाने में टेस्ट भी लगती है और बहुत अच्छे से गल जाती है। इसके साथ ही मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, जिसमें मैं 2 छोटे टमाटरों को रफली चॉप कर डाल रही हूँ और 2 डाल रही हूँ हरी मिर्ची, 4 से 5 मैंने डाली है लहसुन की कलियां छीलकर, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया था उसको भी रफली चॉप कर लिया है। अब इन सब चीजों को हमने बिना पानी के ना पीस कर तैयार कर लेना है। अब लेंगे कुकर, इसमें सारी अरबी को डाल देंगे। अरबी डालने के बाद अब डालेंगे पानी, इतना पानी डालेंगे जो अरबी है ना अच्छे से डूब जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक, जिससे कि जो नमक का ना टेस्ट पूरी अरबी में आएगा। गैस को ऑन कर देंगे। अब इस पर ढक्कन लगा देंगे और मीडियम गैस पर हमने 1 विसल लगानी है और कुकर को बिल्कुल ठंडा करके खोलना है। कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हम ना अरबी को चेक करेंगे, ये गल गई है। चक्कू लीजिए, क्योंकि गर्म अरबी है ना, तो चक्कू से हम चेक करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से जो अरबी है सॉफ्ट हो चुकी है। 1 ही विसल करनी है, ज़्यादा हमने घोलनी नहीं है। अब इसको एक डोंगे में निकालेंगे पानी में से, ठंडा करके छील कर तैयार कर लेंगे। सारी अरबी को तो छील कर तैयार कर लिया है, अब ऐसे हल्का हल्का हाथों से दबा दूंगी। आप चाहें तो जो बड़ी वाली अरबी होती है ना उसके 2 भाग भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हल्का हल्का दबाकर मैंने तैयार कर लिया है। आप चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं, कड़छी से भी कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें, मैंने लिया था 2 बड़े चम्मच दही। ये कम खट्टा दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, वो इसमें डाल देंगे फैलाते हुए। दही डालने के साथ मैं इसमें कुछ मसाले भी डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरे का पाउडर, ये कच्चे जीरे का पाउडर है, भुना हुआ नहीं है, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज किया है मैंने, जिसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन सब चीजों को हमने अच्छे से ना अरबी में मिक्स करना है। ये सारे मसाले और दही अरबी पे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम ढककर एक साइड पे रख देंगे, तब तक बाकी की तैयारी करेंगे। अब लेंगे एक कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालूंगी मैं 2 चुटकी के करीब ही ना हींग, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अरबी में अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा चला देंगे। मैंने ली थी 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाल रही हूँ। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। अब प्याज जल्दी से हो जाए और अच्छे से हो जाए मैं नमक अभी से डाल दूंगी, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और ध्यान रखें हमने थोड़ा सा नमक अरबी उबालते हुए भी डाला था। अब प्याज को हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ये प्याज हमारी अच्छे से हो गई है गोल्डन ब्राउन। अब इसमें जो हमने प्यूरी तैयार करी थी, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन की, वो डाल देंगे। अब इसको भी हमने पकाना है मिक्स करते हुए, जो टमाटर और ये सब चीजें हैं अच्छे से पक जाएं, चाहे आप ढक के पका लें चाहे ऐसे चलाते हुए पका लें।
देखिए सब चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, अब इसमें हम अरबी भी डाल देंगे। अब गैस को मीडियम करते हुए हमने इसे भी ना भून लेना है अच्छे से। इस मसाले में जो दही है, मसाले हैं, बहुत अच्छे से पक जाएं। देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने इसको भून लिया है अच्छे से। जो मसाले हैं, दही है, पक चुका है। अब डालेंगे पानी। मैं इसमें 1/4 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए तेज गैस पर हमने उबाला आने देना है। इसमें उबाल आ गया है। अब इसके स्वाद और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने ली थी कसूरी मेथी, उसे क्रश करके डाल रही हूँ। इन दोनों चीजों को भी मिक्स कर दें। ये मिक्स हो गया। अब गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब गैस को बंद कर देंगे, लेकिन इसे हम खोलेंगे 2 मिनट बाद। ये 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है अरबी की। आप इस ढंग से अरबी की सब्जी बनाएंगे, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।